Mind power is one of the strongest power we possess. In these 10 serials, we will try to focus on unleashing its powers to create a desired reality as well as understand a strong connect between mind and body. Last 3 episodes will take you deep into practice, water, food, medicine charging, body healing meditation with mind, power of gratitude, prayers, affirmation, forgiveness, and blessings. All the talks are based upon medical science and BK spirituality duly proven. In order to derive real benefits, listen with feel and faith and try out to experience the same. Namaskar. Aaj hum power of mind ke upar baat karenge. Jo bhi aage ke jo serials kuch honge, parts honge, isi ka bhi part hoga. Man ki shakti ke upar baat karenge. इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें पावर ऑफ माइंड के ऊपर, मैं बताना चाहूँगा अपनी एक दो एग्जांपल्स. मेरे को 5-6 साल पुरानी बात है, मेरे बैकएक की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी और मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े. चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली, देहरादून हॉस्पिटल, कोई थेरेपी, कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिसिन, मेरे को कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. आज देखिए, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवाई है, ना कोई थेरेपी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कैसे? मन की शक्ति के ऊपर. ऐसे ही मेरे और कुछ और एक्सपीरियंसेस हुए. आँख के ऊपर भी प्रॉब्लम आई, जबकि डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट दे रेस देयर हैंड्स कि आप बाहर चले जाइए, PGA में चेकअप करवा लीजिए. ऐसे ही मैंने अपनी आँख भी ऐसे ही ठीक की, ब्लर्ड विजन हो गया था मेरा. मेरा आज बिल्कुल ठीक है अपने मन के द्वारा. वह हम धीरे धीरे हम बात करेंगे ऊपर. ये जो सेशन है, इसको हम जस्ट सुनने के भाव से मत लें कि हमने सुनना है, दैट्स ऑल, चलो लेक्चर के भाव से मत लें. हम इसको अपनाने के भाव से लें, एक्सपीरियंस करने के भाव से लें. ये जो भी कंटेंट्स होंगे, ये आज के सेशन, जो आगे सब्सिक्वेंट सेशंस होंगे, ये टोटली एक्सपेरिमेंटेड, प्रूवन बाय स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज मेडिकल साइंस के ऊपर है. सो ये मन और माइंड एंड बॉडी के ऊपर होगा सेशन, बेसिकली बेस्ड अपॉन माइंड एंड बॉडी. चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हमको सिखाया गया है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, कैसे बिहेव करना है. बट किसी ने नहीं हमको सिखाया कि सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक अबाउट इट. इसके ऊपर बात करेंगे. जब भी कभी भी कोई बात करते हैं, कहीं कोई प्रोडक्ट हमने बनाना है, कोई इवेंट है घर में या बाहर, कोई इवेंट है, कहीं बाहर जाना है, सबसे पहले हमारे मन में क्या चीज़ आती है? एक थॉट आता है, एक विचार आता है, एक संकल्प आता है. वो दैट इज़ द रॉ मटेरियल. वो एक रॉ मटेरियल है उस इवेंट को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए. हम इनवेरिएबली कई बार हम आप मैंने आपने अपने आप में बोला होगा, आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे. आज मन कोई उदास है, आज मन बहुत खुश है. आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे. ये मन क्या है, ये माइंड क्या है, आज उसके ऊपर बात करेंगे. इट हैज़ बीन मेडिकली प्रूवन दैट सोल, जो हमारी आत्मा है, दैट इज इन बिटवीन आवर टू आईब्रोज, इन द मिड ऑफ टू आईब्रोज, इन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारे ब्रेन में जो उसके बीच का जो इंटरसेक्शन है, दैट इज द सीट ऑफ द सोल. सोल के 3 फैकल्टीज हैं, 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड हैबिट्स. माइंड, जिसको हम मन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक सिगरेट का पैक पड़ा हुआ है. मन कहता है कि चलो आज एक सिगरेट लेते हैं. बुद्धि कहती है, इंटेलेक्ट कहता है, वो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है जो हमारा इंटेलेक्ट है. बुद्धि कहती है नहीं, ये ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, नहीं लेना. मन कहता है एक सिगरेट लेनी है, क्या फ़र्क पड़ता है. बुद्धि कहती है नहीं, ठीक है.
मन कहता है आप साइड में हो, मैं लेकर देखूं तो सही क्या होता है। मैं एक सिगरेट लेता हूं, दो लेता हूं, तीन लेता हूं, एक पैक दो पैक, वो मेरा हैबिट बन जाती है। दैट बिकम सेम विद एनी हैबिट, चाहे वो चोरी की हैबिट है। सपोज 500 रुपये मेरे को नज़र आ रहा है कि इनके पॉकेट में से गिरे हैं, मैं इधर उधर देखता हूँ, 500 रुपये लेकर अपने पर्स में डाल लेता हूँ। ये और भी इधर उधर कहीं पर भी मैं गया, मैं कोई छोटी मोटी कहीं रेस्टोरेंट में गया, फोर्क ले लिया, कोई चम्मच ले लिया, वो मेरी एक संस्कार, मेरी हैबिट बन जाती है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, शरीर की हेल्थ के लिए, फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ द बॉडी। वी ऑल नो इट, क्या न्यूट्रिशियस फूड क्या है शरीर की हेल्थ के लिए, हम सबको पता है। आज मन की हेल्थ, व्हाट इज द डाइट ऑफ द माइंड, डाइट ऑफ द माइंड इज योर थॉट्स एंड द इंफॉर्मेशन वी फीड इनटू थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टीवी और व्हाटएवर सच मीडियाज। ये हमारी डाइट है हमारे मन की। द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स, द क्वालिटी ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए कंप्लीट हेल्थ, जब हम कभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ योर कंप्लीट हेल्थ, इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ, इट इज़ आल्सो द मेंटल हेल्थ। इसके बीच मेंटल हेल्थ इज आल्सो हैज द इक्वल वेटेज। क्या हमको पता है दी साइंस इज हमारे एक दिन में हाउ मेनी थॉट्स वी टेक अराउंड 50,000 थॉट्स इन एवरेज, 50,000 थॉट्स इन ए डे, और एक मिनट में कोई 30-35 थॉट्स लेते हैं। वो थॉट्स की क्वालिटी क्या है उसके ऊपर बात करने लगे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स, एक है वेस्ट थॉट, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है रिक्वायर्ड। व्हाट इज अ वेस्ट थॉट? वेस्ट थॉट, व्यर्थ थॉट जिसको हम बोलते हैं, जिसका ये हमारी मन की शक्तियों को कम करता है, ये ओवर थिंकिंग से हम, वेस्ट थॉट है क्या, वेस्ट थॉट है क्या, वेस्ट थॉट है या हम पास्ट के बारे में सोचेंगे, मेरे को उसने ऐसा बोला या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, बार बार वो मन में आता है, या हम फ्यूचर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल, मेरी एक मीटिंग है बॉम्बे में, एक बिजनेस मीटिंग है बॉम्बे में, मैंने यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन से शाम को मेरी फ्लाइट है बॉम्बे के लिए, मैंने कैब बुक करवाई है, बट ऑल ऑफ ए सडन बहुत एक तरह से तूफान आ जाता है, बहुत बारिश आ जाती है। अब मन क्या बोलता, पता नहीं वो टैक्सी आएगी कि नहीं आएगी, टैक्सी नहीं आएगी तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस होगी तो मेरा कल की बिजनेस मीटिंग जो इतनी इम्पॉर्टेंट है, मेरे अपने लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग, वो मिस हो जाएगी, बिजनेस में वो मीटिंग हो जाएगी तो मेरा बिजनेस। लाइकवाइज वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग आवर थॉट्स, वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग आवर थॉट्स। ये है हमारा वेस्ट थॉट। आज WHO कह रहा है कि एवरी फोर्थ पर्सन टुडे इज डाउन विद डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ आवर सच वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। ये हमारा वेस्ट, जो व्यर्थ, ऐसे ऐसे हम जो अभी आपसे बात करी, हम बात वेस्ट थॉट के बारे में, ओवरथिंकिंग की वजह से 20 साल पहले कभी हमने ये डिप्रेशन वर्ड सुना था कभी? आज बच्चा एवरी सेकेंड चाइल्ड, मेरे को बहुत स्ट्रेस है, मेरे को, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, उसका इलाज चल रहा है। एक बार मैं एक सेशन देख रहा था सिस्टर शिवानी का, फिल्म के जो पुराने एक कलाकार थे ओबराय जी, सुरेश ओबराय जी के साथ, उन्होंने उस सेशन में, इनका नाम था अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, ये लंबा सीरियल थे, और इसके बाद में जब एनालिसिस किया गया कि जिन जो डिप्रेशन से पीड़ित लोग थे और जिन्होंने ये सेशन देखा था, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, नॉट ऑल बट मैनी पीपल, उनका डिप्रेशन ठीक हो गया बिकॉज वो लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड वेंट इनटू इट। नाउ दिस वाज द वन टाइप ऑफ थॉट। सेकंड इज अ नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो ठीक ही नहीं होना, या हम किसी में फॉल्ट निकालते हैं, या कंप्लेंट करते हैं, या कोई जेलसी करते हैं, ऑल आर नेगेटिव थॉट। कैन यू बिलीव
waste thought is around 70 to 75%, जो अभी आपको बताया 50,000 के करीब, उसका 70-75% हमारा waste thought है, and about 15% of the are the negative thoughts. Negative thoughts जैसे अभी आपको बात कर रहे हैं. Next आता है हमारा positive thought, करीब करीब 5%. Yes, मैंने ठीक होना है, yes मैं करके दिखाऊंगा, yes it will happen like that, positive thought. फोर्थ है हमारा रिक्वायर्ड और नेसेसरी थॉट. नेसेसरी थॉट का मतलब है कि यस मैंने सुबह उठना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैंने ब्रेकफास्ट लेना है, ये भी थॉट्स हैं, ये रिक्वायर्ड थॉट्स हैं.